अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी जी दोपहर के 12 बज गए और धूप देखें कितनी तेज़ निकली हुई है आज। खैर सफाइयाँ वगैरह करवाती हूँ, कपड़े चेंज करूँगी, मैं नीचे जाऊँगी, आज गेस्ट ने आना है। यहाँ पे मैंने कपड़े क्विकली चेंज कर लिए और ये देखें बस प्रेस भी किए हुए थे लेकिन मैं फोल्ड करके रखे हुए तो कपड़ों का ये हाल हो गया। खैर जुमे का दिन है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद नीचे जाऊँगी। नमाज भी पढ़ ली है मैंने और मैंने क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए, 2 बज चुके हैं। बस ये सफाइयाँ वगैरह में जो है ना पता ही नहीं चला और मेरे से देखें रूम का क्या हाल किया है। तो चले मैंने चलती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में। यहाँ पे जी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं गेस्ट के लिए जो है वो बस यहाँ पे टी के साथ ये चीज़ें सर्व करने लगी तो मैंने छोटा सा क्लिप्स वो रिकॉर्ड कर लिया। अभी हो रहे हैं रात के 8 और रातें इतनी लंबी हो गई हैं कि तो लगता है टाइम ही गुजर नहीं रहा। खैर अभी यहाँ 8 बज रहे हैं और हम लोग बाहर निकले हैं, छोटा सा काम था, इसके अलावा एक दो शॉप्स पे भी विज़िट करना था। जैसे जैसे शादी करीब आ रही है थोड़ी सी रिमेनिंग शॉपिंग जो है वो रह गई है, छोटे से काम हैं वो रह गए हैं उनको कम्प्लीट करना है, तो बस अभी इसी वजह से भी हम बाहर निकले हैं, जस्ट विज़िट करने के लिए निकले हैं फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में प्रॉपर जो है भी मैं चीज़ें जो वगैरह करनी है सॉर्ट आउट वो करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी साथ साथ। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बाहर आए हैं और देखते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं। यहाँ पे हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे एक न्यू शॉप जो है ओपन हुई है, तो चलें इसको विजिट कर लेते हैं, बहुत लोकल सी शॉप लग रही है। तो खैर अभी चलें देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे जी बहुत कम वैरायटी थी और काफ़ी नॉर्मल वैरायटी थी, वैरायटी तो बिल्कुल ही नहीं थी। खैर जो चीज़ मैंने मुझे एक दो चीज़ें अच्छी लगी उसमें तो बिल्कुल भी साइज़ नहीं था। न्यू शॉप ओपन किया इन्होंने बहरिया में, बहरिया में यही सीन होता है आप कोई नया ब्रांड ओपन कर लें उसमें चलना है कि नहीं चलना। मैं बहुत बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रही, नॉर्मल ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। उन्होंने चलना या नहीं चलना वो आपको कुछ मंथ बाद ही पता लगता है जाके, समटाइम्स कुछ दिन ही चाहिए होते हैं और वो शॉप जो है वो हमें नज़र ही नहीं आती दोबारा। यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी एक फेवरेट शॉप पे और मेरे अक्सर व्लॉग्स में आप लोग देखते होंगे डिज्नी किड्स क्लॉथिंग में आई हूँ और यहाँ बाहर से काफ़ी रश लग रहा था। विंटर की जो है वो कलेक्शन आ गई है और जिसकी वजह से काफ़ी रश है, तो चलिए अंदर चल के देख। अंदर इतना रश था कि मैं कोई भी क्लिप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इतना रश था अंदर। न्यू कलेक्शन आई हुई थी और जिसकी वजह से मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी जैकेट्स की, स्वेटर्स की, और वो सेल्स पर्सन जो है वो कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक्स में और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो खैर फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं लिया लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे कैसी वैरायटी आई हुई है, यहाँ हमेशा ही अच्छी वैरायटी आई होती है, आपने अक्सर मेरे ब्लॉग्स में देखा। कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करती हूँ यहाँ से। हाँ घर आने के बाद मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और जब भी नमाज़ पढ़ें गज़ा फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अब मेरा ख्याल था जब जब वीडियोस हमारे सामने से गुजरती हैं इंस्टाग्राम पे तो दुआएं खुद ही निकलती हैं। रील्स अभी नीचे ही है, वो प्ले कर रहा था और मैं ऊपर आ गई थी काम वगैरह समेटे हैं। अभी नमाज़ पढ़ूंगी और मेरे पास काफ़ी टाइम इसलिए होता है क्योंकि रील्स 1 बजे से पहले बिल्कुल नहीं सोता, तो जब तक वो सोता नहीं मेरे पास टाइम होता है कुछ ना। प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर किसी ने कोई काम करना है कुछ जिस तरह का भी रिलेटेड है उसके लिए काफ़ी टाइम जो है आपको मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो जब भी हम फारिग बैठते हैं इंस्टाग्राम ओपन करें तो गज़ा और फ़लस्तीन में जो भी हो रहा है बिल्कुल देखा नहीं जाता और उसके बाद मेरा ख्याल है कोई काम भी नहीं किया जाता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें उन सबको याद रखें, लेकिन ऑब्वियसली जिनका काम है जिनका बिज़नेस है उन्होंने करना ही, चाहे जैसे भी करें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप गज़ा और फ़लस्तीन को अपने काम में ऐड करके भी कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं शामिल रखें। तो खैर बस अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप। Trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth
He has set it for living creatures. नमाज से फारिग होने के बाद अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। थोड़ा सा अपना मैंने व्लॉग एडिट करना है, इसके अलावा थोड़ा सा और काम है वो भी कंप्लीट करना है। और साथ यहाँ पे देखिए, हम आते हुए मैक्स का शवारमा लेकर आए थे। बहुत ही मज़े का शवारमा होता है, और अगर उनको कह दें कि स्पाइसी और जूसी बनाएं तब तो और भी मज़े का हो जाता है। तो यहाँ से मैं करने लगी हूँ व्लॉग एडिट, और थोड़ी देर में ज़ुरेज़ भी ऊपर आ जाएगा। तो बस फिर उसकी वैसी रूटीन है, 1 बजे से पहले तो बस होता नहीं है। तो खैर, उससे पहले पहले जितना काम कंप्लीट कर सकती हूँ मैं कर लूँगी। और यहाँ पे जी देखिए, मज़ेदार सा मैक्स का शवारमा। तो चलिए मैं शवारमा इंजॉय करती हूँ, साथ अपना काम कंप्लीट करती हूँ, और मैं मिलूँगी आप लोगों से सुबह। गुड आफ्टरनून, बल्कि अब तो शाम भी होने वाली है, और मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ आज 4:30 से। सारा दिन जो है सुबह उठ के नाश्ता किया, बस रूटीन के छोटे मोटे काम उन सबको कंप्लीट किया, और अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर। अभी मैं जा रही हूँ मामा की तरफ, सडन प्लान बन गया हमारा, और बस अब हम लोग निकल चुके हैं। यूजली मैं मामा की तरफ सुबह के टाइम जाती हूँ, लेकिन वो तब जाते हैं जब मैं रहने जाऊँ। तो खैर, अभी 1 डे का विजिट ही था, तो अभी ये देखें सनसेट भी हो रहा है, आलमोस्ट 5 बज गए हैं, 15 मिनट हुए होंगे कि हम लोग अभी निकले हैं। तो चलें चलते हैं, और मैं वहाँ पहुँच के जो भी रिकॉर्ड किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। Trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Almost 1 ghanta to kahin nahi jata, 8 ghante se bhi zyada time lag jata hai अब अगर रश मिले आपको रास्ते में। तो अगर अभी मामा की तरफ पहुँच के खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया, और यहाँ पे देखें जुरेस जो है वो टॉयज़ के साथ खेल रहा है। तो मैंने कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, इतनी थकावट हो गई थी तो जिसकी वजह से ना मुझे याद था और ना मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया। यहाँ पर जी मैं अपना काम जो है दोबारा से कंटिन्यू करने लगी हूँ, जिसकी वजह से अगेन मुझे सारा कुछ न्यू तरीके से देखना पड़ेगा, सैंपल्स और हर चीज़ जो है उसको चेक करनी है, टेस्ट करनी है। तो हर उसी के लिए मैं अभी यहाँ पे ये अपनी इनकी बॉटल्स वगैरह है इनको निकाल के बैठी हूँ। मैं पेज यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप लोग विजिट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे ज़रूर। बाकी टिन से अपडेट जो है वो मैं आपको स्टोरी पर ही दूंगी, मैंने पेज मेंशन कर दिया, उसको फॉलो कर लें और स्टोरीज़ पे जो है आपको अपडेट मिलती रहे। तो बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। रात को ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब हम घर वापस आ गए थे, और मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। व्लॉग पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।